दोस्तों आज के जो सीन होंगे वो इस मैदान से होंगे और फिर ऊपर से होंगे। मैं दिखाता हूँ ऊपर कौन सी जगह से। ये देखिए दोस्तों, ये फिल्म का स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है और अब मैं अपना स्क्रीनशॉट इस पर लगाऊंगा। आज की वीडियो इसी तरह के स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये है रामगढ़ गांव, मेरे एंगल से लिया गया, बिल्कुल वही रास्ता वही गांव। दोस्तों यहाँ मस्जिद के पास जो अहमद का घर होता है और इमाम साहब से वो आशीर्वाद लेकर जाते हैं, तो गब्बर के आदमी गब्बर के पास ले जाते हैं और उन्हें मार कर वापस जब भेजते हैं, तो यहीं इसी ग्राउंड में इस जगह कुएं के पास में उन्हें लिटाया जाता है और सारा गांव वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, आप लोग देख लीजिए। दोस्तों मैं अभी जाऊंगा नीचे उस जगह और वहाँ से जहाँ मैं ऊपर खड़ा हूँ यहाँ के दृश्य आपको दिखाऊंगा। सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, नारियल के पेड़ के ऊपर उस जगह पर मैं खड़ा था और वहीं से आपको नीचे के सीन दिखा रहा था। इसी जगह धर्मेंद्र सर, जय सर घोड़े से अहमद जो होता है उनको उतारते हैं और फिर गांव की भीड़ लग जाती है और इमाम साहब भी आ जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों इमाम साहब की जो इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग है आप देखिए, मैं एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगा और एक वीडियो भी। इमाम साहब कौन? वीरू बेटा, ये खामोशी क्यों है यहाँ? हाँ आप आइए मेरे साथ, आइए। क्या हुआ, क्या हुआ था बेटा, ये कहाँ लिए जा? दोस्तों इस सीन में मस्जिद यहाँ पर आपने देखा और ये जो पत्थर है इसके आगे ये पत्ते से आ गए हैं एक पेड़ के। ये बिल्कुल वही सीन है जो स्क्रीनशॉट में दिखाया गया। दरअसल मस्जिद का एंगल ना इस ग्राउंड की तरफ किया गया था, इन दोनों पत्थरों के बीच में, और ऊपर का आसमान इतना ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इमाम साहब सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, जो बसंती होती है वो उनको लेके जाती है, और नीचे कैमरा जो है सीढ़ियों के पास से ये एंगल लिया गया है, इसलिए वो पत्थर आपको उभरा हुआ दिखाई दे रहा है आसमान की तरफ। इस स्क्रीनशॉट में दोस्तों जो हेमा जी होती है उनका सर के पास में ये पत्थर का कोना दिखाई देता है और मस्जिद की एक मीनार भी दिखाई देती है। स्क्रीनशॉट में आप देख लीजिए, यह जो नज़ारा है यहाँ पर जो चिट्ठी पढ़ रहे होते हैं तो उनके हाथ से एक गांव में जो होता है ना लम्बरदार टाइप का पगड़ी वाला, वो चिट्ठी छीनकर और गांव वालों को सुनाता है। तो बैक साइड में कुछ इस तरह का सीन आपको दिखाई देगा, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है आप देख लीजिए। चिट्ठी सुनने के बाद दोस्तों गांव वाले भड़क जाते हैं और ठाकुर से कहते हैं, ठाकुर ये क्या किया तुमने, तूने तो हमें फंसा दिया अच्छी तरह। फिर ठाकुर उन्हें समझाते हैं और ये क्या एक किया वीडियो लगा रहा तुमने? हूं दोस्तों आप देखिए। इस दुनिया में इज्जत से जीना है तो कुछ मोल तो देना होगा। ठाकुर, हम डाकुओं को अपने जीने का मोल अनाज दे सकते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी नहीं। गांव के लोग ठाकुर को मनाते हैं कि हम उनके आगे झुक जाते हैं, लेकिन ठाकुर अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। तो गांव वाला एक आदमी बूढ़ा कहता है कि अहिंसा भी तो कोई चीज़ है बेटा। फिर ठाकुर उनको समझाते हैं, तो युग युग से किसानों का देश है, लेकिन जब जब किसी जालिम ने हमला किया है, गंगा कसम हम किसानों ने अपनी दरातियां पिघला कर तलवारें बनाई हैं। हमारी रगों में कायरों का खून नहीं है, कायरों का खून नहीं है हमारी रगों में। लेकिन बेटा इस खून खराबे से क्या होगा, भला अहिंसा भी तो एक चीज है। अहिंसा को मैं भी मानता हूँ चाचा, लेकिन एक दुष्ट पापी के सामने सर झुकाना अहिंसा नहीं, कायरता है, बुजदिली है। जो झुकते नहीं और टूट जाते हैं ठाकुर। ठाकुर न झुक सकता है न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है। खूब झड़प होने के बाद पूरे गांव वालों की उंगली जय और वीरू की तरफ उठने लगती है। और यहाँ एक स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूँ, ये पीछे पहाड़ी का नज़ारा इसमें इस तरह नज़र आएगा दोस्तों।
यहाँ पर वीरू को गुस्सा आ जाता है, वो काफ़ी ताव में आ जाते हैं और जय भी नाराज़ होकर खड़े हो जाते हैं। नीचे अहमद की लाश पड़ी होती है और पूरे गांव में विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तुम लोग ये समझते हो कि हमें गब्बर के हाथों देकर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बच सकती है, तो कर दो हमें गब्बर के हवाले, हम तैयार। आप तो वही होगा जो होना चाहिए। फिर इसी ग्राउंड के अंदर दोस्तों, जहाँ के पूरा गांव बनाया गया था, मैं आपको दिखाऊंगा अभी ऊपर से जाके भी जो शुरू में मैंने सीन दिखाया था। इमाम साहब जो है सारी बातें इनकी सुनते रहते हैं। फिर इमाम साहब खड़े हो जाते हैं और दोस्तों इतनी अच्छी एक्टिंग है उनकी, इतने अच्छे कलाकार हैं, मैं हमेशा से उनको पसंद करता आया हूँ। हम तैयार। आप तो वही होगा जो होना चाहिए। हम इस मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। कौन ये बोझ नहीं उठा सकता भाई? जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा, इससे भारी बोझ कोई नहीं है। मैं बूढ़ा ये बोझ उठा सकता हूँ और तुम एक मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। भाई मैं तो एक ही बात जानता हूँ, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से कहीं अच्छी है। बेटा मैंने खोया है, मैंने, फिर भी यही चाहूंगा कि ये दोनों इसी गांव में रहे। आगे आपकी मर्जी। मेरी नमाज का आज पूछूंगा खुदा से, मुझे दो चार बेटे और क्यों नहीं दिए गांव पर शहीद होने के लिए? कोई मुझे मस्जिद तक। और दोस्तों आप देख सकते हैं जिस एंगल से मैंने कैमरा लिया है, इसी एंगल से इमाम साहब मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, आप देख लीजिए। आज पूछूंगा खुदा से, दो चार बेटे और क्यों नहीं दिए इस गांव पर शहीद होने के लिए। यहीं से इमाम साहब उतरते हैं नीचे। कौन? बसंती, कितने बरस हो गए, तू तो पैदा भी नहीं हुई थी। सीढ़ियों, मस्जिद की सीढ़ियां बाद में उतरता हूँ, कोई ना कोई हाथ पहले दे देता है। दोस्तों जिस रास्ते से मैं अभी चढ़ा हूँ, ये रास्ता मस्जिद का नहीं है, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है ये रास्ता उसी तरह से ऊपर चढ़ा हुआ है जैसे मस्जिद का था। और यहाँ इस कच्ची जगह पर जो आप देख सकते हैं, एक कमरा बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला, इसमें खिड़की लगी हुई है और ये लोहे की टीन का एक कमरा है। नीचे इसमें कुछ एक स्टेप्स ही है, लेकिन ये स्टेप इस तरफ नहीं जाती। हमारी मस्जिद की जो स्टेप है वो नीचे यहाँ से जाती है उस ग्राउंड के अंदर। अभी आपको थोड़ा सा दिखाई देगा, ये वाला पेड़ के सामने बिल्कुल उस ग्राउंड में उतरती थी। और मस्जिद इस एंगल से बनाई गई थी ताकि ग्राउंड से बिल्कुल सही दिखाई दे, और दोनों साइड में जो पत्थर थे वो भी। और यहाँ ये देखिए येलो कलर का मकान कितना अच्छा बन गया है, बहुत ही पक्के मकान यहाँ बन गए हैं। उस टाइम कच्चे झोपड़े थे, अभी भी कुछ झोपड़े कच्चे हैं। ये मैं मस्जिद के करीब 7-8 पैड़ी नीचे उधर के बीच में खड़ा हूँ, बिल्कुल यहीं से नीचे पैड़ियाँ जाती हैं, ये जो झोपड़ा बन रहा है इसके पास से नीचे मैदान में। और आप देख सकते हैं यहाँ मुर्गों के कितने ठाट हो रखे हैं। ये नाली में घुस गए खाने पीने के लिए। दोस्तों जो ये पीला सा कपड़ा लगा हुआ है ना नीचे, यहीं तक मस्जिद की पैड़ियाँ नीचे गई हैं। और इसी ग्राउंड के अंदर जाने के बाद घोड़ा यहीं आकर रुकता है, अहमद का, जो अहमद को लेकर आता है। और इसी मैदान में और अहमद को जय वीरू इसी जगह पर नीचे लेटाते हैं। अब दोस्तों मैं इस मैदान में आ गया हूँ और यहाँ से वो पीला मकान आप देखिए, उसके पास में ये चट्टान बिल्कुल उसके साथ में थी, और बीच में मस्जिद, और फिर उसके बाद सीधे हाथ में जो ये बड़ी सी चट्टान है, इसके आगे एक पेड़ है। इसका फिल्म में कई बार
सीन आया है। इस चट्टान के पास में घर बने हुए थे, जैसे ये बने हुए हैं इसी तरह से फिल्म में भी बने हुए थे, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों, शुरू में जब अहमद को घोड़े से भेजा जाता है ना, तो वो इस रास्ते से ही घोड़ा आता है। मैं निशान लगाता जाऊंगा एरो का, आप देख लीजिए, और फिर यहाँ आके इस तरफ घोड़ा इस तरफ मुड़ जाता है। दोस्तों, अब कुछ रोचक बातें करेंगे। ठाकुर जहाँ पर खड़े होते हैं, पीछे आप देख सकते हैं कुआं है, और कुएं के आसपास ना पानी गिरा हुआ है ना कुछ, एकदम मिट्टी वगैरह डाल के जैसे रेडी कर रखा हो फिल्म बनाने के लिए, ऐसा कुछ लगता है। और दोस्तों, कुआं अगर गांव में था तो पानी की टंकी होते हुए कुएं की क्या ज़रूरत थी, लेकिन पानी की टंकी भी गाँव में दिखाई गई, और जबकि वीरू सर यहाँ पर कुएं के पास पानी पीते हुए दिखाए गए हैं। ये दोस्तों रामगढ़ के आज के असली घर हैं, इनके आसपास देखिए आप कैसे पानी गिरा हुआ है और बर्तन वगैरह, इस तरह का जो असली का सीन होता है वो इस तरह से दिखाई देता है। दोस्तों, रामगढ़ गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं। अभी जो इस रामगढ़ के हैं, दिन में व्लॉग बनाते हुए मुझे थकान हो गई थी, तो मैं यहाँ नीचे आया और एक घर में मैंने मोबाइल रिचार्ज करने के लिए दिया, और उनसे चाय के लिए मैंने बोला, तो उन्होंने बकरी के दूध की इतनी अच्छी चाय बनाई, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जहाँ पर अमिताभ बच्चन सर ने चाय पी, वहीं मैं बैठकर चाय पी रहा हूँ। दोस्तों, इन सभी जानकारियों के साथ अभी इस व्लॉग से लेता हूँ मैं विदा, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों।